क्या अचीवमेंट हुआ? इस बार इन सारे टीचर्स की मदद से मेरा स्कोर नीट में 676 आउट ऑफ 720 था। मेरा ऑल इंडिया रैंक 813 था और मेरा कैटेगरी रैंक 527 था। कैसे ये संभव हो पाया? इसके लिए तो सबसे पहले मेरे सर को, सारे टीचर्स को शुक्रिया। उसके बाद मैंने भी काफ़ी मेहनत की अपने तरफ से जितना हो सका, और जितने सर, जैसे जैसे सर ने बोला क्वेश्चन सॉल्व करने, बार बार चीज़ें रिवाइज करने, एनसीईआरटी पढ़ते रहने के लिए, वो हम सब किए, तो इसके कारण ये हो पाया। आपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को, जो तुम्हारे साथ विकल्प होंगे, तो उन लोग को आपने टिप्स क्या देना चाहोगी, क्या मंत्र बताओगी कि तुम भी ऐसे करो तो हमारे जैसे सफलता हासिल कर सकते? सबसे पहले अगर नीट के लिए एनसीईआरटी रेगुलरली पढ़ना ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा हर दिन बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर कम से कम ऑन एन एवरेज 6-7 आवर्स ज़रूर पढ़ना चाहिए विदाउट एक्सेप्शन। मतलब अगर बहुत ज़्यादा भी हो तो 4 घंटे कम कर दो, और कभी ज़्यादा फ्लो में है तो 10 घंटे कर दो, लेकिन फिर भी एक एवरेज 6-7 हर दिन बना रहना चाहिए। इसमें तुम्हारे माता पिता का कितना रोल है? मेरी मम्मी वो मतलब मेरे को कोई काम करने को नहीं बोलती थी, यहाँ तक कि खाना वाना सब देती थी, ला कर देती थी। और पापा मतलब जब भी कहीं ट्यूशन पहुँचाना हो, जिस वक्त पहुँचाना हो बोलते थे तो पहुँचा देते थे वहाँ से, जब भी जितना हो जिस वक्त लाना हो ले आते थे। आगे क्या गोल है? क्या अभी 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 तो गोल है कि कोई अच्छा कॉलेज मिले और वहाँ से MBBS करना, और उसके बाद वहाँ पर स्कोर करके फिर देखते हैं क्या लेना है। अच्छा डॉक्टर बनना, यही है। लेकिन डॉक्टर तो आजकल बड़े बुरे होते हैं, पैसे ज़्यादा लेते हैं और काम लोगों को इंसानियत मतलब भूलते जा रहे हैं। तुम किस तरह का डॉक्टर बनना चाहोगे? मेरा सपना है कि हम एक आर्मी डॉक्टर बन सके, तो मेरा बस मेरा मकसद है कि देश की सेवा करना, ना कि मतलब पैसे कमाना। और तुम्हारे साथ पढ़ने वाले लोग को भी ऐसे ही डॉक्टर बनने की सलाह दूंगी? हाँ, पैसा कम मिलेगा तो काम चलेगा सबके लिए, सब तो सही नहीं है, मेरे लिए पैसा कम भी मिले तो काम चलेगा। पूरा नाम बता। आप, मेरा पूरा नाम सुप्रिया है बस। पिताजी का नाम? रणविजय कुमार सिंह। पिताजी क्या करते हैं? हाँ, उनका दुकान है जनरल स्टोर। सर आप एक व्यवसायी हैं? हाँ जी। ऊँची उड़ान में सफलता हासिल की है, आप क्या सोचते हैं इस बेटी के सफलता के पीछे क्या कहना चाहेंगे? हमारी बेटी जो असफलता मिली है, इसमें विष्णु स्थली का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा परिश्रम, बेटी का परिश्रम और जो लगन है पैदा किए, जो रुचि पैदा किए डॉक्टर बनने के लिए, वो विष्णु स्थली ने पैदा किया। विष्णु स्थली को किस तरह क्रेडिट देना चाहते हैं? चूँकि आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास वक्त कम रहता होगा, तो हम समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और गाइड लोग करते होंगे। साहिर सर, जुवेर सर, प्रमोद सर एक गार्जियन के रूप में इसको बराबर देखते रहे, बराबर उनके गाइड में पढ़ते लिखते रही। बेटी स्टेट टॉपर भी, बेटी आपकी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गई, और मैं युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? हम तो युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि सब काम छोड़कर पहले गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति आदर भाव रखें, और केवल पढ़ने पर विश्वास रखें।